देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। जिम तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको देसी जिम दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपके मन में भी स्वदेशी के लिए भावना जागृत हो जाएगी। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा ही कुछ इन युवाओं के साथ भी लागू होता है, जिन्होंने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खुद ही एक देसी जिम बना डाला। जी हाँ, यह नजारा सतना जिले के गुबराव खुर्द गाँव का है, जहाँ युवाओं की टोली ने कसरत करने के लिए अपने गाँव में ही एक देसी जिम बना दिया है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते जब देश में लॉकडाउन लगा तो जिम सेंटरों में भी ताले लग गए, ऐसे में कसरत करने वाले लोगों को जिम की कमी महसूस होने लगी। ऐसा ही कुछ हाल गुबराव खुर्द गांव में भी देखने को मिल रहा था, जहां लोगों को लॉकडाउन के समय जिम की कमी खल रही थी। लेकिन एक दिन ग्रामीण युवाओं ने देसी जिम बनाने की ठान ली, और फिर इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह आपकी आंखों के सामने है। सतना से रविशंकर पाठक की। करते रहो ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज बनाई गई है, जो भी देसी जुगाड़ से सारी चीज़ें बनाई गई हैं, और जो भी गांव में चीज़ अवेलेबल रहती है उन सब चीज़ों से। और मेन चीज़ यहाँ की ये खास बात है कि यहाँ का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा खुला हुआ है, तो ऑक्सीजन जो है प्रभावित होती है, और लोगों के दौड़ने के लिए वर्कआउट के पहले हमें बॉडी हीट करनी पड़ती है, तो यहाँ दौड़ने के लिए पूरा है। और पूरे जो लोग हैं यहाँ, पूरे गाँव के जो युवा इधर सुबह उठते नहीं थे, इस जिम की वजह से सुबह उठने लगे हैं और यहाँ आते हैं सुबह करते हैं, और साथ में छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, भले जिम का नहीं करते लेकिन वो भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं देख के यहाँ करते हुए। मेरा नाम विकास सिंह है, मैं गुबराव खुद से। हमें जिम की बहुत समस्या थी, तो बहुत लोग जिम नहीं जा पा रहे थे, बहुत लोग सब लोग बोला करते थे कि हमें जिम जाना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम देसी जिम तैयार किए, तो हम ईंटों पत्थर बाँस की सहायता से देसी जिम तैयार किए हैं यहाँ, तो जो कि यहाँ पर काफ़ी लोग आने लगे हैं। जो जिम भी जाते थे तो उन लोग की भी ये शिकायत थी कि सामान बहुत कम मिलता है या पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, तो हमने फ्री में ये जिम तैयार की है। यहाँ पर किसी की शुल्क नहीं लगती है, ये टोटल फ्री है जिम, ये किसी के पैसे में नहीं आती है, सब कोई आता है अपना करता है चले जाते हैं। हमारे गांव में ये जो हो रहा, हमारे ये भतीजा है जो, इसने बहुत अच्छा काम किया, इसके द्वारा जो हमारे गाँव के और लोग हैं उनको ही शरीर बनाने में, अपना शरीर तंदुरुस्त करने में सहायता मिल रही है। इनके द्वारा अच्छे छोटे छोटे बच्चे और जो बड़े भी आते हैं उनको भी अच्छा अपना शरीर तंदुरुस्त करने में सहायता मिल रही है। बहुत अच्छा काम किया हमारे भतीजे ने, इसका जो भी काम है बहुत अच्छा कर रहा, सराहनीय काम है, और इसमें जो भी लोगों की होगी तो मदद भी करने के लिए तैयार हैं लोग, और दूर दूर से भी आते हैं काद गांव के लोग, और गांव के जो हैं तो आते हैं। आपको नाम? मैं अनिल सिंह।